हेलो, मैं प्रवीत शर्मा अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ आज संस्कृत विषय में के अंतर्गत हम नाटक इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर दो पॉइंटों का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है संस्कृत नाटक शिक्षण विधियां और दूसरा पॉइंट है नाटक शिक्षण क्रम। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत नाटक शिक्षण विधियाँ, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख विधियाँ हैं, आदर्श नाट्य विधि, अभिनय विधि और व्याख्यान विधि। अभिनय विधि के अंतर्गत दो पॉइंट आते हैं, रंगमंचीय अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है आदर्श नाट्य विधि। तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक स्वयं ही कक्षा में प्रस्तुत पाठ को अभिनयात्मक ढंग से इस प्रकार पढ़ता है कि पाठ भाव एवं चरित्र की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। परंतु कुछ जो है विद्वान लोग इस विधि का थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते हैं। इस विधि के लिए वे उनका ध्यान इस ओर है कि छात्रों का पूरा ध्यान अभिनय प्रणाली पर केंद्रित है हो जाता है। वे अभिनय को देखते रहते हैं, तभी नाटक के पात्रों एवं चरित्रों को तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि एक ही अध्यापक सारे पात्रों के रोल कर लेता है, किंतु नाटक के उद्देश्य को ग्रहण वे नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि में अध्यापक ही सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय नहीं रहते, इसलिए उनका ध्यान इधर उधर भी हो जाता है। इसलिए इस प्रणाली के लिए या इस विधि के लिए कुछ विद्वान जो हैं अवैज्ञानिक मानते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अभिनय विधि। अभिनय विधि में छात्रों द्वारा नाटक को अभिनीत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है छात्र ही उस नाटक के पात्र बनते हैं और वे ही उसका अभिनय करते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा अभिनय विधि चल रहा है, छात्र ही अभिनय करते हैं। इसके दो भाग हैं, रंगमंचीय अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि। रंगमंचीय अभिनय विधि में छात्र पात्रानुसार जो है अभिनय मतलब पात्र के अनुसार ही वेशभूषा धारण कर लेते हैं और संवाद पाठ का रंगमंच पर वास्तविक अभिनय करते हैं। दूसरा पॉइंट है कक्षा अभिनय विधि। तो कक्षा अभिनय विधि में नाटक का अभिनय रंगमंच के बजाय कक्षा में ही छात्रों द्वारा किया जाता है। इसे पात्रों के अनुरूप जो है वेशभूषा धारण नहीं करनी पड़ती है। पहली अभिनय विधि जो है व्यवहारिक एवं खर्चीली है, जो कि रंगमंचीय जो है, क्योंकि उसमें वेशभूषा आदि सभी कुछ तैयार करना पड़ता है। इसका निरंतर क्रियान्वयन संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं। दूसरी अभिनय विधि सरल, व्यवहारिक एवं मितवई है। नाटक शिक्षण में इसका जो है यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। हमारा इसका लास्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में अध्यापक स्वयं नाटक का वाचन करता है, पात्रों के चरित्र व पाठगत भावों का विश्लेषण करता है एवं छात्रों के समक्ष कठिन पदों तथा वाक्यांशों की उचित व्याख्या करता है। ये विधि गद्य शिक्षण का अनुकरण प्रतीत होती है। ये विधि जो है गद्य शिक्षण के लिए तो प्रभावी हो सकती है, परंतु नाटक शिक्षण में नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग पात्रों का पता ही नहीं चल पाता है। इससे नाटक शिक्षण के जो है उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। उपयुक्त जो तीनों विधियों में से अगर हम समझें कि कोई एक ही विधि पूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। सभी विधियों का मिला जुला रूप ही उपयुक्त बैठता है। अब हमारा नाटक के विषय में दूसरा पॉइंट था नाटक शिक्षण क्रम। नाटक का शिक्षण करते समय क्या क्रम होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सामान्य प्रारंभिक बातें देख लेनी चाहिए, कौन सी कक्षा है, कौन कितने टाइम पढ़ाना है, ये सब जो है श्याम पट कार्य एक अध्यापक करता है, वो जो है प्रविष्टियां पूर्ति कर लेता है। उसके बाद जो है सामान्य प्रारंभिक बातों में ही आती हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, शीर्षक, अवधि, कालांश, ये सभी कुछ आ जाता है। दूसरा पॉइंट इसका है सामान्य उद्देश्य। पहले में तो ये छोटी छोटी बातें आ जाती हैं कि कक्षा को व्यवस्थित, ये सभी कुछ उसमें आ जाता है। दूसरा है सामान्य उद्देश्य। इस चरण में नाटक शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को दिया जाता है। सामान्य उद्देश्य ये ध्यान रखना चाहिए कि विषय से संबंधित ही होते हैं। अगर संस्कृत भाषा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में संस्कृत विषय भाषा के ही उद्देश्य होने चाहिए सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। इस चरण में प्रस्तुत पाठ्य प्रकरण जो टॉपिक है हमारा, विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है, लिखे जाते हैं, क्या उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ाने के। तीसरा पॉइंट है हमारा सहायक सामग्री। विशिष्ट उद्देश्य हो गया सहायक सामग्री।
इस बिंदु में शिक्षण के लिए उपकरण चार्ट, चित्र, लपेट स्याम्पट, डस्टर, चौक आदि का उल्लेख किया जाता है। कहने के तत्व तो ये है, चाहे हमारे सहायक सामग्री में कोई मॉडल का की सहायता ले रहे हों या चार्ट की, जो सभी कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व ज्ञान। प्रस्तुत पाठ के विषय में छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसका संकेत प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, किंतु नाट्य शिक्षण में केवल प्रश्नोत्तर विधि ही पर्याप्त नहीं है। इसमें नाटककार का संक्षिप्त परिचय देते हुए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में समझाकर पाठ प्रारंभ करना उचित रहता है। अगला पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट विषयोपस्थापन। इसके अंतर्गत आता है पाठ्य सामग्री प्रस्तुतिकरण। पूरे पाठ को एक ही अनुवृत्ति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नाटक में आदर्श वाचन, अध्यापक द्वारा संपूर्ण पाठ का स्वगत आरोह अवरोह के साथ सस्व वाचन करना चाहिए। फिर अनुकरण वाचन, ये भी विषयोपस्थापन के अंतर्गत है। छात्रों द्वारा पात्रों के भावों के अनुसार अनुकरण वाचन किया जाता है, किंतु एक छात्र द्वारा एक ही पात्र की विषय वस्तु का वाचन किया जाना चाहिए। विषयोपस्थापन का नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय भाव बोध प्रश्न। नाटक के केंद्रीय भाव पर आधारित बोध प्रश्न करने चाहिए। बोध प्रश्न नाटक के लिए अनुवादन न होकर वैकल्पिक होते हैं। संक्षिप्त व्याख्या, पाठ आधारित समास विग्रह और संधि विच्छेद के बारे में बताना, पाठ में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करना, कठिन पदों की या शब्दों की भाव विश्लेषण एवं पात्रों के चरित्रण संबंधी प्रश्न, अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण, पाठ अभिनय, अध्यापक अपने निर्देशन में छात्रों से जो नाटक का वाचिक अभिनय कराता है। एक छात्र द्वारा एक ही पात्र का अभिनय किया जाना चाहिए। लास्ट में आता है गृह कार्य, जो कि बहुत ही जरूरी है। छात्रों को गृह कार्य के रूप में पात्रों के चरित्र संबंधित प्रश्न दिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।